हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज हम 12th क्लास के वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.5 के फर्स्ट 11 सम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, उनको समझ चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उनको आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 18 तक आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे आज यहाँ पर समझेंगे। अब एडजॉइंट्स क्या है हम पहले कर चुके हैं, तो मैट्रिक्स आपको दी गई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में, देख क्या दिया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 12th में वेरीफाई करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 12th आपके बुक में दिया है, यहां पर दिया लेट एक मैट्रिक्स ए दी गई है 3, 2, 7, 5 और एक साथ में मैट्रिक्स और दी गई मैट्रिक्स बी, और यह मैट्रिक्स बी हमें दी गई है उसके एलिमेंट्स क्या है देखिए, यहां पर 6, 7, 8, 9। ये हमें दो मैट्रिक्स दी गई हैं, मैट्रिसेस दी गई हैं। वेरीफाई क्या करना है देखिए बच्चों, यहां पर वेरीफाई दैट ए बी का प्रोडक्ट और उसका इनवर्स, ध्यान रखें ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को और फिर उसका इनवर्स किया, या बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ये हमने वेरीफाई करना है, इनवर्स कैसे फाइंड करना बात कर चुके हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करना हम बात कर चुके हैं थर्ड चैप्टर में। चलिए अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, तो मैं क्या करूंगा पहले मैं क्या करूंगा ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, तो ए इंटू बी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करना है, रो इंटू कॉलम, आपका मेथड वही रहेगा 8 या आपका 9। तो क्या रहेगा बच्चा देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जैसे हम करते आए हैं ऐसे इसको हम करेंगे। चलिए 3, 6 जा 18 प्लस 7, 7 जा 49 ये रहेगा, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3, 8 जा 24 प्लस 7, 9 जा 63। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में 2 को 6 से 12 हो जाएगा, 5 को 7 से 35 और फिर यही 2 को 8 से 16 प्लस 5 को 9 से 45। अब इनको ऐड कर दें तो ए इंटू बी क्या आएगा हमारे पास देखिए, अब इन दोनों को ऐड कर दें 49 और 18 को 67 हो जाएगा, 35 और 12 को 47 हो जाएगा और ऐसे ही ऐड कर दीजिए इनको 3 और 4 7 और 8 87 हो जाएगा, और 45 में 16 को ऐड कर दीजिए 6 5 11 4 5 और 1 6 तो 61 आपका हो जाएगा। तो ये इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है। अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, पहले हम इसका एडजॉइंट्स फाइंड करेंगे, डेटिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर यूज करेंगे आपका जो फॉर्मूला हमने लिखा था। पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे। अब यहाँ मैट्रिक्स ए नहीं है, ए बी दी गई है जो प्रोडक्ट से मैट्रिक्स बनेगी, और जब सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स उसका हम कैसे एडजॉइंट्स निकालते हैं, इन दो एलिमेंट्स को तो हम इंटरचेंज करेंगे और इन दो के हम साइन चेंज करेंगे। चलिए तो क्या रहेगा देखिए, इनको इंटरचेंज, इसका साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, और सॉरी यहाँ पर ये तो इंटरचेंज करना यहाँ पर तो 61 होगा, यहाँ पर 67। तो ये एडजॉइंट्स आपका आ जाएगा मैट्रिक्स ए बी का। अब ए बी को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेंगे उसका एडजॉइंट हमने फाइंड किया। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब पहले हम इसको चेक करेंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं है, ये नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम इसका क्या निकाल देंगे डिटरमिनेंट्स ए बी। तो कैसे करते हैं, 61 को मल्टीप्लाई 67 के साथ और -47 को मल्टीप्लाई -87 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपकी आ जाएगी 4000
87, ये माइनस माइनस प्लस रहेगा और फिर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा 4089। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस का 2। और ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलिए अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, क्या था हमारे पास फॉर्मूला इनवर्स का, ए इंटू बी इसका इनवर्स, तो 1 अपॉन डेटरमेंट्स किसका निकालेंगे अब, जिसका हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पर एडजोइंट ऑफ ए इंटू बी। चलिए वैल्यूज पुट कर दें, क्या रहेगा, तो अब इसके डेटरमेंट्स के लिए हमारे पास क्या है, माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये एडजोइंट्स जब के पास था 61 माइनस 47 माइनस 87 और ये आपका 67। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड को करेंगे, अब राइट हैंड साइड में बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स दिया है, पहले मैट्रिक्स बी का इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर मैट्रिक्स ए का फाइंड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को करेंगे तो क्या रहेगा, पहले मैं बी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करूँगा, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजोइंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, तो एडजोइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, और ये भी सेकंड ऑर्डर की है, तो क्या अगर इनको इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर 9 इसका साइन चेंज करेंगे, इसका भी साइन चेंज, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ तक हम पहले भी कर चुके बच्चे चीज़ें, अब इसका फिर क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करें डिटरमिनेंट्स की, क्या रहेगी, 9 को 6 है 54 और 7 8 56 रहेगा, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, जो आपका इसमें इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं बी का, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, वो आपके रहेगी माइनस का 2, नॉट इक्वल टू 0 आपका ये भी रहेगा, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 अपॉन डेटरमेंट्स बी, उसकी वैल्यू क्या है, और एडजोइंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, तो देखिए क्या रहेगा, तो B इनवर्स अब इसकी वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ भी वही है देख लीजिए, और यहाँ पर आपका 9 माइनस 7 माइनस 8 और ये 6, तो ऐसे ही फाइंड करेंगे A इनवर्स, तो पहले एडजोइंट्स उसका, एडजोइंट्स ऑफ मैट्रिक्स A का, तो मैट्रिक्स A आपके यहाँ पर आपको दिखाई दे, इसका हमने इनको चेंज करना है, तो यहाँ पर 5 इसका साइन चेंज होगा 2 माइनस 7 और यहाँ पर 3, फिर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू ए क्या रहेगा, 5 3 जा 15 और 2 7 जा 14, तो 1 आएगा, और इसके बाद फिर इनवर्स इसका ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख लें, तो 1 अपॉन 1 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आपका रहेगा 5 माइनस 2 माइनस 7 और ये 3। अब दोनों मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड कर लिया, अब क्या करेंगे, B इनवर्स को A इनवर्स से मल्टीप्लाई, चलिए B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स, तो क्या क्या हमारे पास आ चुके देखिए, अब B इनवर्स ये है तो 1/2 को अभी बाहर ही रख लेते हैं, माइनस का है 1 अपॉन 2 और ये 9 माइनस 7 माइनस 8 और ये आपका 6, और A इनवर्स आपके पास यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है 5 माइनस 2 माइनस 7 और ये 3। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वही आपका रहेगा रो इनटू कॉलम जैसे अभी तक हमने किया है, तो ये सेम है B इनवर्स इनटू A इनवर्स माइनस 1/2, माइनस को आप कहीं भी रखें, अब मल्टीप्लाई रो इनटू कॉलम, 9 5 जा 45, 8 2 जा 16, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, और फिर 9 7 जा 63 और 8 3 जा 24, यह आएगा। चलिए फिर 9 को अब इसका दोनों के साथ प्रोडक्ट हो चुका है, फर्स्ट रो का, अब सेकंड रो फर्स्ट
कॉलम। तो क्या रहेगा देखिए बच्चों, 7 को 5 के साथ करेंगे तो माइनस का 35, फिर 6 को 2 से माइनस का 12 हो जाएगा, फिर 7 जा 49 पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 3 जा 18। अब इनको आपने क्या करना, सिर्फ ऐड करना। करके देख लीजिए क्या आएगा, 45 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 61 रहेगा, और माइनस 35 और माइनस 12 तो माइनस के 47 आपका हो जाएगा। और फिर बात करूं तो 4 और 3 7 और 6 और 2 8 माइनस का 87। और यहां भी बात कर लीजिए देखिए क्या आएगा, इनको 49 को ऐड करेंगे, 9 और 8 17, 4 5 और 1 6, और जो ये 1/2 था आपका सेम एज रहेगा, आप पर इसको रख लीजिए यहां पर ऐसे ही माइनस 1/2। अब चेक कीजिए बच्चों, देखिए ये आपके लेफ्ट हैंड साइड से जो हमने वेरीफाई किया इसको, और ये आपके राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हमने इसको वेरीफाई करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12th कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13th हमें क्या दिया, देखिए बुक में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इफ मैट्रिक्स ए हमें दी गई सेकेंड ऑर्डर की, सो दैट ए स्क्वेयर माइनस 5A प्लस 7I, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ A। पहले वेरीफाई करना है और फिर इसकी हेल्प से हमने इनवर्स फाइंड करना है। एक तो मैंने अभी इनवर्स फाइंड किया था, किसी मैट्रिक्स का एडजेंट्स निकाल लेंगे फिर उसका डिटरमिनेंट्स के लिए फाइंड करेंगे, तो हमने किया था। लेकिन हमने क्या करना है, पहले वेरीफाई करेंगे और उसके बाद इसकी हेल्प से हमने फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का इनवर्स। चलिए तो पहले क्या आपको पर दिखाई दे रहा, देखिए a स्क्वायर हमें दिया गया, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a स्क्वायर फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो a स्क्वायर क्या रहेगा, अब मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स a के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, रोल वही रहेंगे, रो इनटू कॉलम। चलिए तो क्या रहेगा, देखिए 3 3 9 और 1 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 1 रहेगा, फिर 3 को 1 से 3, और फिर 1 को 2 से तो आपका 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। इसके बाद माइनस 1 को 3 से तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 को माइनस 1 के साथ माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 को 1 के साथ माइनस 1 और 2 2 जा 4, ये आपका प्लस का रहेगा। तो इस प्रकार से हमें मल्टीप्लाई करना होता। चलिए अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपलीफाई सिर्फ करना है, 9 - 1 8 हो जाएगा, ये माइनस 5 और यहाँ पर 5 और ये आपका 3, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, अब यहाँ पर दिया गया देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इक्वल टू ओ हमें दिया गया है, इसके इक्वल तो हमने प्रूव करना लेकर नहीं चलेंगे, यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब ए स्क्वायर क्या है, मैट्रिक्स ए माइनस 5 5 और ये आपका 3 माइनस 5 इंटू ए मैट्रिक्स ए 3 - 1 1 और 2 प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती है, ये रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को करेंगे, बाद में इनको सॉल्व करेंगे। तो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर ये सेम अभी 8 - 5 3 ये आपकी दी गई है। इस प्रकार माइनस 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस लेंगे ताकि आसानी हमें रहे, तो ये 15 हो जाएगा, ये प्लस 5 यहाँ पर माइनस के 5 और ये आपका माइनस का 10 इस प्रकार से। और 7 को जब करेंगे तो 7 0 0 7 ये बन जाएगी। अब सभी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे और फिर क्या था हमारे पास, देखिए इनको ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, 8 - 15 और + 7 फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फिर 5 - 5 + 0 और फिर -5 + 5 और ये 0, फिर 3 - 10 + 7। अब इनको करिए सिंपलीफाई, देख क्या आएगा।
अब यहाँ देखिए बच्चों, 8 प्लस 7 15 हो जाएगा, और माइनस के 15 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ बात करूँ माइनस 5 प्लस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 और फिर 0 का ऐड करेंगे, 7 प्लस 3 10 और 10 माइनस 0, तो ये आपकी आ चुकी है किसके कॉल, ओ का मतलब यहाँ पर है एम्प्टी नल मैट्रिक्स, तो ये आएगा। तो वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई अपने इस प्रकार से करना है। चलिए अब वेरीफाई तो हमने कर दिया, अब इनवर्स कहा फाइंड कीजिए। अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, एक मेथड हम पहले सीख चुके, हमने कर लिया अभी, अब इसने कहा कि इसका यूज कीजिए और हम फाइंड कीजिए कैसे करेंगे। अब जो हमें दी गई यहां पर इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार लिख लेते इसको, ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ओ, मल्टीप्लाइंग अब किससे करेंगे, बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखें जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूं जीरो ही रहेगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे ए इनवर्स ए, और ए ए स्क्वायर को मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन कर लिया, ए इंटू ए लिखा, माइनस 5 ए इनवर्स ए, और यहां पर 7 ए इनवर्स इंटू आई, और ये आपका सेम ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जैसे मैट्रिक्स इनवर्स को, तो आपकी बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए, यहाँ भी यही रहेगा, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, जब इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो इनवर्स ही रहेगा, और आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ, तो ये ए, ये 5 और ये आपका ऐसे रहेगा। अब हमें इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दो टर्म को राइट साइड में मूव कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका रहेगा 7 इंटू ए इनवर्स 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में ए। अब क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दें, तो क्या रहेगा देखिए 5, अब से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ इसको, तो 5005 ये बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करो किसी भी सिक्युलर क्वांटिटी से किसी रियल नंबर के साथ, तो ये रहेगा। और मैट्रिक्स ए हमें क्या दी गई थी, 3 माइनस 1 1 और 2, इसको अपने सॉल्व करना है, तो इनवर्स हमें मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा, 5 माइनस 3 2 0, अब माइनस का ध्यान रखें प्लस का 1 हो जाएगा, और 0 ये माइनस 1 रहेगा, 5 माइनस 2 3, तो इस प्रकार से हमारे पास ये आएगा। अब क्या करना है, जो 7 आपके पास दिया गया, आपने 7 से क्या करना है, इसको सिर्फ डिवाइड करना है, ये 7 आपका यहाँ पर था ए इनवर्स 7 ए इनवर्स, अभी ए इनवर्स इज इक्वल टू ये अपॉन में आएगा 1 अपॉन 7 2 1 माइनस 1 और 3, तो ये इसका आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, पहले वेरीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसका यूज करेंगे, वेरीफाई करने के बाद इस प्रकार अपना आंसर फाइंड करना, तो आपका आंसर रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही, क्या दी देखिए, फॉर मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए हमें दी गई सेकेंड ऑर्डर की दी गई है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी such that a square plus a into matrix a plus b into identity matrix equal to o, तो ये हमें दिया गया है यहाँ पर, इसका यूज करने से इक्वेशन का यूज करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें क्या चाहिए, a square, अभी हमने फाइंड किया था a square, तो ऐसे पहले फाइंड करेंगे a square और फिर इसमें पुट करेंगे वैल्यू और सॉल्व करेंगे, देखिए फटाफट से, तो a square, तो मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, तो वही रूल आपका भी हमने किया था, मल्टीप्लाई क्रॉस रो इनटू कॉलम, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, पर 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 फर्स्ट रो, अब सेकंड रो का यूज करेंगे और फिर ऐसे ही 1 को 3 से 3 रहेगा,
वन का वन के साथ प्रोडक्ट वन, फिर वन को टू के साथ और फिर वन को वन के साथ करेंगे। इनको ऐड कर दीजिए, क्या रहेगा देखिए, ए स्क्वेयर नाइन और टू इलेवन, फोर एट और ये आपका थ्री। तो ये आपकी आ चुकी है ए स्क्वेयर की वैल्यू। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व इसको करेंगे। देखिए अब यहाँ पर इक्वेशन आपको दी गई है ए स्क्वेयर प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स, और ये चलिए अब ए स्क्वेयर हमारे पास क्या है, इलेवन फोर एट और ये थ्री प्लस ए, और मैट्रिक्स ए स्टार्टिंग में दी गई है थ्री वन टू और वन प्लस बी इंटू आइडेंटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर और इक्वल टू ओ एम्प्टी मैट्रिक्स आपके लिए नल मैट्रिक्स रहेगी। चलिए अब पहले क्या करें, ए और बी को अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो ये सेम ही रहेगा अभी, इलेवन फोर एट थ्री, ये मैट्रिक्स सेम है। अब पहले इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स, ध्यान रखें तो थ्री ए ए टू ए ए ये बन जाएगा। बी को करेंगे तो बी जीरो जीरो बी इज इक्वल टू ये रहेगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे किसको, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को। तो क्या रहेगा, इलेवन प्लस थ्री ए, इलेवन प्लस थ्री ए प्लस बी फोर प्लस ए प्लस जीरो, और ऐसे ही एट प्लस टू ए प्लस जीरो और थ्री ए थ्री प्लस ए प्लस बी ये बन जाएगी। और यहाँ पर आपको मैट्रिक्स जो दी गई वो इस प्रकार से रहेगी। अब यहाँ से इनको इक्वेट करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी टू वेरिएबल में, उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम किसको लें, किससे हम वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हैं, देखिए आपके पास क्या रहेगा। अब यहाँ पर जो आपके पास रहेंगे, मैं पहले इसको अगर लेता हूँ एलिमेंट्स को इसके इक्वल, देखिए फोर प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू माइनस फोर। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी ईजिली, आप चाहते हैं यहाँ से भी निकालें तभी आपकी वही वैल्यू आएगी। अब मैं इसको यूज करूँ या इसको, मर्जी है, हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी। मैं इसको ले लेता हूँ थ्री ए प्लस बी, थ्री ए प्लस बी इक्वल टू जीरो के रहेगी। और ए के वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, थ्री माइनस फोर प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आपकी हमें मिल चुकी है। आप कहीं भी पुट कर लीजिए इनको, इसमें पुट कीजिए तब भी आपके पास वही रहेगा। कहीं से फाइंड कीजिए, कैसे फाइंड कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14th कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15th हमें क्या दिया बच्चों, हाँ थोड़ा सा लेंथी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15th और 16th सेम एज रहेंगे, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 15th को करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16th को आपने ट्राई करना। चलिए स्टेटमेंट क्या दी, देखिए 15th की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी गई है, फॉर मैट्रिक्स ए, अब ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें दिखाई यहाँ पर दे रही बच्चों, वन वन टू, वन टू माइनस वन, वन माइनस थ्री और थ्री, सो दैट ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वेयर प्लस फाइव ए प्लस इलेवन आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ओ, ये दिया गया। अब ये ओ नहीं है मैट्रिक्स आपकी है, आइडेंटिटी सॉरी नल मैट्रिक्स आपकी है, एम्प्टी मैट्रिक्स आपकी है, और फिर फाइंड करना अपने ए इनवर्स। वैसे तो मैं क्वेश्चन पहले कर चुका है ऐसा ही, वहाँ पर जो मैट्रिक्स थे वो सेकंड ऑर्डर की दी गई थी, लेकिन यहाँ पर थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है और क्यूब यहाँ पर दिया, वहाँ पर स्क्वायर तक ही दिया गया था, करना वही है। थोड़ा लेंथी रहेगा, ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान से करें। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए स्क्वेयर, डायरेक्ट ए क्यूब नहीं फाइंड करेंगे, तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ए स्क्वेयर मिल जाएगा, और फिर दोबारा ए से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए आप पहले मैट्रिक्स को लिख लें, ध्यान से थोड़ा बच्चों करो, इसमें
गलतियां होने के चांस होते हैं, सिंपल से क्वेश्चन लेकिन कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में प्लस माइनस करने में मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ध्यान से करें। चलिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम पहले सीख चुके हैं अच्छे से, वन को वन के साथ, वन को वन के साथ और वन को टू के साथ, ये आपका रहेगा। फिर वन को वन से, वन को टू के साथ और वन को माइनस वन के साथ। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वन माइनस थ्री और आपका थ्री, ये हो जाएगा। फिर लेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वन को वन से, वन को टू के साथ और माइनस थ्री को टू से, सिक्स हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम वन को वन से, टू को टू से फोर और माइनस वन को माइनस थ्री से प्लस का थ्री हो जाएगा। फिर लास्ट रो के कॉलम के साथ करेंगे वन टू थ्री जा सिक्स माइनस के और माइनस के नाइन, ये बन जाएगा हमारे पास। चलिए इसके बाद फिर क्या करना बच्चा, देखिए मल्टीप्लाई, अब थर्ड रो टू को वन से टू, माइनस वन को वन के साथ तो माइनस का वन और थ्री को टू के साथ सिक्स आपका प्लस का। यहाँ पर भी ध्यान से करें, टू को वन के साथ टू रहेगा, माइनस वन को टू के साथ माइनस का टू हो जाएगा और थ्री को माइनस वन के साथ माइनस का थ्री, यहाँ तक। अब लास्ट कॉलम के साथ करेंगे टू को वन से टू, माइनस वन को माइनस थ्री के साथ प्लस थ्री हो जाएगा और थ्री थ्री जा नाइन, तो ऐसे मल्टीप्लाई हमने करना है। चलिए अब क्या करें, इनको ऐड कर देते हैं तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा, यह आपका फोर हो जाएगा, यहाँ से करूँगा तो माइनस थ्री रहेगा और ये सिक्स एट और माइनस वन किया तो सेवन, तो ये आपके आएंगे इसके एलिमेंट्स फोर थ्री, ठीक है। और इनो करेंगे वन और टू थ्री, माइनस वन किया टू रहेगा, ये आपका सेवन एट माइनस थ्री रहेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर थ्री को थ्री से ये कैंसिल हो जाएगा, वन रहेगा माइनस के फिफ्टीन और ये माइनस का फोर्टीन हो जाएगा, ये आपका नाइन और थ्री ट्वेल्व और टू फोर्टीन, तो ये हमारे पास इसकी आ चुकी है ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। अब हमें ए क्यूब फाइंड करना बच्चों, क्या करेंगे इस ए स्क्वेयर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ करेंगे, दोबारा से मैट्रिक्स ए के साथ करेंगे, हमें ए क्यूब यहां पर चाहिए। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई फिर कर देते हैं, अब यहां पर ए क्यूब तो ए स्क्वेयर इंटू ए करोगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब बन जाएगा, ऐसे करेंगे। चलिए तो यहाँ पर लिखे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपके पास आ चुकी है, ये फोर माइनस थ्री माइनस सेवन टू एट और ये माइनस का थ्री, वन फोर्टीन और ये प्लस फोर्टीन, और मैट्रिक्स ए जो हमें दी गई स्टार्टिंग में वन वन टू वन टू वन और ये वन माइनस थ्री और ये आपका थ्री। मल्टीप्लाई कैसे करना है हम कर रहे हैं, कर चुके हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए क्यूब मिल जाएगा। देखिए तो ए क्यूब क्या आएगा, अब वही रूल आपका रहेगा बच्चों, रो इनटू कॉलम आपने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, आप इसको मल्टीप्लाई करें आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पर लिख लें, ये आपके पास आएगी एट माइनस ट्वेंटी थ्री, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा, लेंथ सम हो जाएगा, थर्टी टू सेवन ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टीन वन माइनस सिक्सटी नाइन और ये फिफ्टी एट, तो ये ए क्यूब मैट्रिक्स आपका मिल जाए। कैसे आएगी देखिए, फोर को वन से करेंगे फोर रहेगा, टू को टू से करेंगे टू और ये टू, तो एट बन जाएगा, इनको ऐड करोगे ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर वन जा फोर टू टू जा फोर एट हो जाएगा, फिर आप वन से करोगे तो आपका इस प्रकार से ये आएगा। तो चलिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें इस प्रकार से एलिमेंट्स आपके दिए गए, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें माइनस वन यहाँ पर है तो वो गलत हो जाएगा, नहीं तो, तो ये मैट्रिक्स आएगी ए क्यूब हमें मिल जाएगी। अब जो इक्वेशन हमें दी गई यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। चलिए ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वेयर प्लस फाइव ए प्लस इलेवन आई, अब ये वेरीफाई करना तो लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। चलिए ए क्यूब मैट्रिक्स आपके पास आ चुकी है एट माइनस ट्वेंटी थ्री
32, 7, 27, -13, 1, -69 और ये 58। अब ए स्क्वेयर मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 6 के साथ पर लिख लेते हैं फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू, अब ये स्क्वेयर मैट्रिक्स आपके पास हम पहले फाइंड कर चुके, 4 -3, 7, 4 -3, 7 ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं, 2, 8 -3 यहाँ पर 2, 8 और ये माइनस का 3, ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स सेकेंड कॉलम के। और थर्ड में है 1 -14, 1 -14 ये प्लस का 14 यहाँ तक। अब 5 इंटू मैट्रिक्स ए, 5 और मैट्रिक्स ए हमें दी गई 1, 1, 2, 1, 2, -1, 1, -3 और 3। और उसके बाद क्या रहता है, 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैं इसको सीधा लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके ही, तो क्या बन जाएगी हमारे पास, ये मैट्रिक्स तो ऐसे बन जाएगी 11, 0, 0, 0, 11, 0 और 0, 0, 11, इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगी ये मैट्रिक्स हमारी। चलिए अब क्या करना, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इन सभी को ऐड करना है। अब ये सेम एज रहेगी, 8, 23, 32, 7, 27, -13, 1, -69 और ये 58, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हमारी फर्स्ट। अब -6 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको, माइनस के साथ में लेके मल्टीप्लाई कर लें आसान रहेगा, तो ये माइनस का 24, ये प्लस 18, ये माइनस के 42, ये -12 और इससे करेंगे तो 48 और प्लस 18 ये बन जाएंगे हमारे पास इसके एलिमेंट्स। चलिए और फिर 6 को इसके साथ 1 के साथ माइनस का हो जाएगा, ये प्लस 84 और 14, 6 अभी 84 ही होगा लेकिन ये माइनस का रहेगा। इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स से, सभी से करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब करते हैं सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5, 5, 10, 5, 10, -5 और 5, -15 और ये प्लस 15 और ये मैट्रिक्स आपकी सेम, हम इसको पहले मल्टीप्लाई करके लिख चुके हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। चलिए अब क्या करना है, हमने सिर्फ इन एलिमेंट्स को ऐड करना। देखिए कैसे ऐड करोगे, 8, 12, -16 हो जाएंगे, 5 + 11, 16 आपका हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो ये आपका एलिमेंट 0 हो जाएगा। 7 पहले पॉजिटिव को लें, 7, 5, 12 और ये आपका 11, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कहीं भी 0 बनना चाहिए हमारे पास यहाँ पर, एक बार चेक कर लीजिए, 5, 5, 11 ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, 7 और 12 माइनस के 5 बचेंगे और फिर -5 और +5 0 हो जाएगा और वहाँ पर 0 ऑलरेडी है, तो इस प्रकार से इनको सभी को आप ऐड करोगे बच्चों, सभी का 0 ही आएगा। अब चेक कर ले किसी भी एलिमेंट्स को, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एम्प्टी मैट्रिक्स बन जाएगी। आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर लीजिए, देखिए 18 + 5 = 23 हो जाएगा प्लस का और माइनस का 23 है तो 0 हो जाएगा, तो सारे के सारे एलिमेंट्स जब ऐड करोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो 0 ही आएंगे सभी, तो ये आपका प्रूव हो चुका है, राइट हैंड साइड ये को ला चुका है, हैंड्स वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई इस प्रकार से हमने कर, तो लेंथ ही हो सकता है, ध्यान रखें कैसे करना है। अब बात करते हैं बच्चों, अब इसका इनवर्स हमें फाइंड करना मैट्रिक्स ए का। वैसे तो हम कैसे करते हैं इनवर्स, एडजेंट्स निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारा मेथड था, लेकिन यहाँ पर इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमने इसकी हेल्प से फाइंड करना है। तो अभी हमने किया था, क्या किया था, इस मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी मैट्रिक्स को नहीं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या रहेगा, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसको अरेंज कर लेते, यहाँ पर हमारा काम इसका हो चुका है, इसके हमें जरूरत नहीं है। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको ए इनवर्स के साथ, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, यहां तो जब मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा, यहां पर कैसे लिखेंगे अब इसको देखिए, मैं इसको लिखूंगा ए इनवर्स इंटू ए और ये ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर को ए से मल्टीप्लाई क्यूब हो जाएगा, यहां भी ऐसे करेंगे 6 इंटू ए इनवर्स ए,
यहां पर ऐसा लिखेंगे इसको, और यहां भी 5a इनवर्स इनटू a प्लस 11a इनवर्स इनटू i और इक्वल टू आपका ये एम्प्टी मैट्रिक्स। अब a इनवर्स को a से करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, यहां पर a स्क्वायर, यहां पर 6, यहां भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ये भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। और जब मैं यहां पर करूंगा इसको तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर आपका रहेगा 11 इनवर्स मैट्रिक्स का है, उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो इनवर्स ही रहेगा। तो ये हमें मिल जाए, अब इनको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्या बन जाएगा। यहां पर एक चीज रहती है बच्चों, यहां पर क्योंकि ए स्क्वेयर था ना, अब ए स्क्वेयर था तो ए इनवर्स इंटू ए और ए भी आएगा ना, तभी तो ए स्क्वेयर बनेगा ये। तो फिर यहां पर आपका यहां पर क्या रहेगा, यहां तो 5a ही रहेगा, यहां पर हम क्या करेंगे 6i इंटू ए लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा ऐसे मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपकी ए स्क्वेयर ही रहेगा, यहां पर आपका 6a बन जाएगा, ये 5 और यहां भी आइडेंटिटी आएगी ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए, ठीक है, यहां पर नहीं रहेगी, यहां पर ए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर इसके लिए आया है। चलिए तो 5i ए सेम ऐसा रहेगा प्लस 11a इनवर्स। अब हमने इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे 11 इंटू ए इनवर्स, बाकी को राइट साइड में ले जाइए तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस के, अब प्लस के हो जाएंगे 6a और माइनस का 5a ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि वैल्यूज पुट करनी है। अब एक चीज़ यहाँ पर होगी बच्चों, हमें ए स्क्वायर चाहिए था उसको हमने इरेज कर दिया, नहीं करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पर है, इसमें से देख लेंगे क्या उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी। ए इनवर्स हमने पहले फाइंड कर लिया था, ए स्क्वायर सॉरी, देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, ये सेम एज ए इनवर्स साथ में 11, ए स्क्वायर हमने जो फाइंड किया था आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं हमने क्या फाइंड किया था। तो यहां पर हमने फाइंड किया था इस प्रकार से था आपका 4 जो एलिमेंट्स आपके थे इसमें 4 माइनस 3 7 और 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और ये प्लस 14, ये हमारे पास आया था स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ए। और फिर यहां पर माइनस, अब ये 6 इंटू मैट्रिक्स ए वो लिखी है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 हो रही आपका 3 और उसके बाद क्या रहता है, अब ये रहता है 5 इंटू, अब ये फिर वही मिस्टेक हो जाती है, यहां पर आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 5 से कर रहा हूं इसको मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस 5 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 और यहां पर भी माइनस का 5 ये रहेगा। अब सिर्फ हमने क्या करना है, सॉल्व करना है तो आपका इनवर्स इसका मिल जाएगा। चलिए क्या आएगा देखिए, अब 11 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं 4, लेकिन अब 6 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा हमें, चलिए 6 से मल्टीप्लाई यहीं पे कर रहे थे, स्पेस थोड़ा कम है, अब 6 से मल्टीप्लाई करो आपका यहां पर 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये 6 आपका हो जाएगा, यहां पर 6 रहेगा, ये 12 हो जाएगा और ये 6 3 जा 18, यहां भी करेंगे 6 2 जा 12 और 6 1 जा यहां पर 6 और 6 3 जा 18 ये बन जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखें यहां पर, रखे बच्चों माइनस बाहर है इसके, इसको भी कर लें, देखिए अब ये एक स्टेप में नहीं करना, अपने अलग स्टेप में करेंगे तो ठीक रहेगा, अब स्पेस नहीं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस दिया गया तो मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, साइन चेंज, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब करेंगे माइनस 4 प्लस 6 तो 2 बचेगा और 5 तो माइनस का 3 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर सभी को आप ऐड करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास रहेंगे माइनस 3 5 9 माइनस 1 यह आपका 14 यहाँ पर माइनस 7 और 3 और ये आपका माइनस 14 आपको इनको ऐड कीजिए, लिख लीजिए पहले एलिमेंट्स को फिर ऐड कीजिए तो ये आपके पास इस प्रकार से आएंगे।
चेक कर ले चाहे किसी भी एलिमेंट्स को। अब थ्री यहाँ पर ये सिक्स नाइन हो जाएगा, नाइन यहाँ पर लिखा है, माइनस एट माइनस ट्वेल्व तो प्लस के फोर बचेंगे और माइनस का फाइव तो माइनस का वन बचेगा। अब सिर्फ क्या करना है, इलेवन से डिवाइड कर दीजिए तो ए इनवर्स क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वन अपॉन इलेवन हो जाएगा और वो सेम रहेगी मैट्रिक्स, थ्री नाइन माइनस सेवन फोर माइनस वन थ्री ये रहेगा, और जो लास्ट कॉलम है फाइव फोर्टीन और ये माइनस का फोर्टीन, तो ये हमारे पास आ चुका है ए इनवर्स। तो इस प्रकार से अपने इसको फाइंड करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान रखें, प्रैक्टिस कीजिए तो मिस्टेक नहीं होगी, स्टार्टिंग मिस्टेक हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका ऐसा ही दिया गया है, इसको भी आपने ऐसे सॉल्व करना है, इसको अपने आप करें, ट्राई कीजिए। अब दो क्वेश्चन हमारे बचते हैं और दोनों आपके कैसे हैं, एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, चलिए सॉल्व कर। लास्ट दो क्वेश्चन बच्चों आपके इस प्रकार से दिए गए हैं, देखिए 17 क्वेश्चन क्या दिया गया, एमसीक्यूज है। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ए कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, स्क्वेयर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर की बात हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर देन अब देखिए ये क्या है, एडजुवेंट्स ए और डेटरमिनेंट्स के फॉर्म में आपको दिया गया है। इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, ये आपको याद रखने हैं, इनको आपने याद करना, प्रूव नहीं करना, याद रखना है। तो जो आपका यहाँ पर डेटरमिनेंट्स ए दिया है तो ये इसके इक्वल कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बच्चों रहेगा, आंसर आपका बी रहेगा। अगर कोई आप थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स लें, वहाँ पर उसका डिटरमिनेंट्स केवल निकाल कर स्क्वायर कीजिए और उसका एडजुवेंट्स निकाल लीजिए, उसकी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स बना लीजिए, तो दोनों आपके इक्वल रहेंगे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर रहेगा। और ऐसे ही दिया 18 क्वेश्चन, इफ़ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, यहाँ पर टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल का है तो ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन डिटरमिनेंट्स ए इन्वर्स, देखिए पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, पहले क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर उसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में करेंगे और तो किसके इक्वल आएगा, फिर क्या रहेगा, देखिए वो आपका वन अपॉन, क्योंकि इनवर्स है तो वन अपॉन डिटरमिनेंट्स ए बन जाएगा, तो ये यहां भी ऑप्शन आपका बी ही रहेगा। अभी नहीं सर, हमने क्या है याद रखना है, वेरीफाई नहीं करना कि यहाँ सोल्व करके नहीं दिखाना, हमने जो एमसीक्यू जाते हैं उससे आंसर हमने टिक करना होता है, तो आपके आंसर इनके ये रहेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी बच्चों कंप्लीट होती है 4.5, तो एक एक्सरसाइज इसकी और बस इसको फिर करेंगे, तो आज के इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आई होंगे सम, इनको सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन छोड़ दिए गए आपके लिए उनको जरूर सॉल्व करें, एग्जाम्पल पढ़िए। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और इस चैनल पर बने रहें, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो सभी का धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।